गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रैकमेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एस ट्रैक्टर की जो क्रैंकशाफ्ट की ऑयल सील होती है उसकी फिटिंग का ये वीडियो है, इसको पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। ये देख सकते हैं फ्लाईव्हील निकाल के जो ये पूरा ऑयल है यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। क्रैंकशाफ्ट की जो टाइमिंग ऑयल सील होती है ये देखिए, ये टाइमिंग ऑयल सील है। ये ऑयल सील नई वाली, इसको फिट करना है। जो पुरानी ऑयल सील लगी थी वो उल्टी लगी थी। ये देखिए 100, 125, 13 ये इस नंबर की जो इंजन क्रैंक की ऑयल सील आप देख रहे हैं ये यहाँ पे अभी फिट होगी। ये नई ऑयल सील है। ऑयल लीक हो रहा था फ्लाईव्हील के एंड से, और जब हमने इसको ओपन किया फ्लाईव्हील को तब पता चला कि जो फ्लाईव्हील की ऑयल सील है वो उल्टी फिट की गई है। अभी इसको फिट करने का सही तरीका दिखाएंगे। एस कंपनी का यह ट्रैक्टर है दोस्तों। आपको ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन से यह ट्रैक्टर यहाँ पे ओपन था, इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा था। अभी ये स्पेयर पार्ट हमने बुलाया, अभी इसकी फिटिंग होगी। एक सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने एरिया में, लोकल एरिया में वही ट्रैक्टर खरीदिए जिसका स्पेयर पार्ट इजीली अवेलेबल है, क्योंकि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी न होने की वजह से जो किसान भाइयों को जो है, जो मैकेनिक भाई है उनको, दोनों को तकलीफ होती है। ये अभी पूरी तरह से ऑयल सील अभी हम फिट कर रहे हैं। नई ऑयल सील फिट करने का जो तरीका है आप देख सकते हैं। जो पुरानी गाड़ी किसी ने फिट की थी वो उल्टी फिट की गई थी। जो आउटर साइड जो अपना, जहाँ पे हम अपने को हैमरिंग करना पड़ता है वो बाहर की तरफ चाहिए था, और जो अंदर की जो कॉलर रहती है डबल कॉलर वो अंदर की साइड रहती है। इसे बहुत बारीकी से फिट करना पड़ता है ताकि जब रोटेशनल हो जाती है, जब क्लियरेंसेस आ जाता है उसमें, तो जो ऑयल सील है अब ये नहीं होने की वजह से सख्त है। जब रोटेशनल मोशन में जो ऑयल सील की जो रिंग होती है इनर की वो उसको कवर अप कर लेती है और ऑयल लीक होने से बचाव होता है। ऑयल सील को ज़्यादा नहीं ठोकना चाहिए। ये देखिए अभी ऑयल सील फिट होने के बाद हम फ्लाईव्हील भी फिट कर लिए हैं। फ्लाईव्हील के 6 के 6 बोल्ट टाइट हो रहे हैं। फ्लाईव्हील जो है फिट करने के बाद इसके ऊपर हम क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट असेंबली जो है वो लगाएंगे। ये अभी फ्लाईव्हील जो है वो टाइट होगा। टॉर्क टाइटनिंग जो है फ्लाईव्हील का वो क्रॉस टॉर्क टाइटनिंग होना चाहिए। एग्जागोनल बोल्ट्स होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। एस कंपनी जो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड, ये कंपनी है जो बड़े बड़े क्रेन्स बनाती है। उन्होंने अभी ट्रैक्टर भी बनाया था। ये देखिए अभी ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो है ये असेंबल होगी। ये ऑयल जो है इसके ऊपर चिपकने की वजह से प्रेशर प्लेट पे जो डस्ट और ऑयल मिक्स हो गया था, और डस्ट और ऑयल मिक्स होने की वजह से अभी इसको क्लीनिंग किया जा रहा है। हाई प्रेशर एयर जो है उस पर जो भी पॉकेट्स वगैरह है इसमें कार्बन जमा है वो अभी क्लीन होगा। अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ये जो कंप्लीट असेंबली है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की उसे हम फिट करेंगे। दोस्तों क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अभी इस असेंबली को हम फ्लाईव्हील के ऊपर चिपकाएंगे। ये देखिए क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो असेंबली है उसे फ्लाईव्हील पर लगाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट असेंबली पूरी तरह से, अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू है।
ये पूरी तरह से लगने के बाद जो सेपरेशन हुआ है उसको हम जोड़ देंगे, और जो भी हाइड्रोलिक के पाइप्स वगैरह है उसके हम जोड़ देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही किसान भाइयों को इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।